नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। नगर निगम में नौकरी दिलाने का वायदा कर सुपरवाइजर ने महिला से छेड़छाड़ की। पीड़िता ने कोही फीजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नौकरी दिलाने के नाम पर नगर निगम के सुपरवाइजर ने महिला से छेड़छाड़ की। पुलिस के अनुसार महिला नगर निगम में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करती थी। पारिवारिक कारणों से उसने काम करना बंद कर दिया था। नौकरी तलाशने के दौरान उसकी पहचान तेजपाल नाम के व्यक्ति से हुई। वह में अस्थायी कर्मचारी का सुपरवाइजर था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को भूत बंगले के पास बुलाया था और सुनसान जगह देखकर उसके साथ अश्लीलता करने लगा। वो तेजपाल नाम का कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा नगर निगम में पूर्व में काम करने वाली महिला के साथ में गलत नियत से उसको गाड़ी में बैठा करके ले जाने वाली बात आई हुई थी, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें जो आरोपी पक्ष है उसका ये कहना है कि इसको 8 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, दबाव में आकर इसने दबाव बना रही थी, झूठा शिकायत करी है। नहीं, सारे साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। अभी प्राथमिकी दर्ज की गई है, उससे रिलेटेड जितने भी साक्ष्य हैं वो संकलित किए जा रहे हैं। जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक यहाँ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पक्ष जो है थाने भी आज पूछा था, वो अपना पक्ष रखते हैं। नहीं, सभी पक्ष देखे जाएंगे। कोई भी घटना है, घटना के सभी गुण दोष देखे जाते हैं। जो मूल घटना रहती है उसके जो साक्ष्य रहते हैं उसी के